टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहकुरात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आज हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। एक ऐसा नेता जिसका पक्ष और विपक्ष हर कोई मुरीद था। अपने भाषण से या फिर अपनी कविताओं के अंदाज से अटल जी हमेशा से ही जाने गए। आज अटल जी की 95वीं जयंती है और पूरा देश अपने इस नेता को याद कर रहा है। कोटि कोटि आपने हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। ये हिमालय के वर्णन से शुरू होती है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपत विशाल है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपति विशाल है। नभ की छाती को छूता सा कीर्ति पुंज सा दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल दीपित माँ का पूज्य भाल है। कौन कह रहा उसे हिमालय कौन कह रहा उसे हिमालय, वह तो हिमावृत ज्वाला गिरी अरवा कण कण गब्वर कंदर कुंजित ध्वंत कर रहा अब तक डिम डिम डमरू का भैरव स्वर, गौरी शंकर के गिरि गब्वर शैल शिखर निर्झर वन उपवन तरुथन दीपित शंकर के तीसरे नयन की प्रलय वन्य से जगमग ज्योतित, जिसको छूकर क्षण भर में ही काम रह गया था मुक्ति भर, जिसको छूकर क्षण भर में ही काम रह गया था मुट्ठी भर, यही आगले प्रतिदिन प्राची अपना अरुण सुहाग सजाती, यही आगले प्रतिदिन प्राची अपना अरुण सुहाग सजाती, और प्रखर दिनकर की कंचन काया इसी आग में पलकर निश निश दिन दिन जल जल प्रतिपल सृष्टि प्रलय पर्यंत तमावृत जगती को रास्ता दिखाती। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते हैं जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हितु अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल पूरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना, अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो,
अमरीकी शत्रुओं से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार हो गए ये मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमरीका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा, एक नहीं दो नहीं। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता, गीत नहीं पाता। इसी श्रृंखला में एक और कविता है, आज सिंधु में द्वार उठा है, नगपत फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम हैं हम रहेंगे ये भ्रम भी सदा फैलता रहेगा, सत्य क्या है होना या न होना या दोनों ही सत्य है। ये बंटवारे की पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता है। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती, कण कण पर शोणित बिखरा है पग पग पर माथे की रोली, इधर मने सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली, मांगों का सिंदूर चिता की भस्म बना हा हा खाता है, अगणित जीवन दीप बुझाता पापों का झोंका आता है, तट से अपना सर टकराकर झेलम की लहरें पुकारती, यूनानी का रक्त दिखाकर चंद्रगुप्त को है सुहार, रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दोआब बनाया, रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दोआब बनाया, किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्म का अंगार दिखाया, खड़े देहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा, किसने पापी हाथ बढ़ाकर माता मुकुट उतारा। ऊंचाई ही काफी नहीं होती, सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं मजबूरी है, ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, अकेला होता है, जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्कान है चिपका, मन ही मन रोता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले, भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, ये विश्वासघात की कल्पना को मूर्त रूप देने की कोशिश की गई है। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फाग, मुक्त के क्षणों में बार बार बंद जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता। न मैं चुप हूं न गाता हूं,
न मैं चुटकू न गाता हूं। सवेरा है ये श्रीनगर में कविता लिखी थी। सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे बादल, रुई से धुदल के मैं मील के पत्थर पड़े घायल। सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे बादल, रुई से धुदल के मैं मील के पत्थर पड़े घायल। ठिठके पांव ओझल गांव जड़ता है नगत मेहता, स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूं, न मैं चुपू न गाता। अब इसका दूसरा है, समय की सर्द सांसों ने चनारों को झुलस डाला। वह चनार एक पेड़ होता है जो सर्दी में ऐसा लगता है जैसे उसको आग लग गई हो, झुलस जाता है। समय की सर्द सांसों ने चनारों को झुलस डाला, मगर हिमपात को देती चुनौती एक द्रुमाला। बिखरे नीर विहसी चीड़ आंसू है न मुस्काने, खिटकी झील के तट पर रकेला गुनगुनाता हूं, न मैं चुप हूं न गाता हूं। आओ फिर से दिया जलाएं भरी दोपहरी में, अंधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ। ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, यहां तक कि घास भी नहीं पैदा होती, जमती है सिर्फ बर्फ जो मौत की तरह ठंडी और कफन की तरह सफेद होती है। अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अन्यायी का चलता है दमन दुधारा, आंखों के आगे सत्य मिटा जाता है, भारत माता का शीश कटा जाता है। क्या पुनः देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा, क्या सबका शोणित पानी बन जाएगा, कब तक दानव की माया चलने देंगे, कब तक भस्मासुर को हम छलने देंगे, कब तक जम्मू को यों ही जलने देंगे, कब तक जुल्मों की मदिरा ढलने देंगे, चुपचाप सहेंगे कब तक लाठी गोली, कब तक खेलेंगे दुश्मन खून से होली, प्रहलाद परीक्षा की बेला भाई, होलिका बनी देखो अब्दुल्ला शाही। मौत से ठन गई, मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या, मौत की उम्र क्या तीन पल भी नहीं, तो बदला जिंदगी से छाप दिया आजकल की नहीं। हाँ, मौत का, मौत की उम्र क्या, मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, छापने वाले ने दो का तीन कर दिया है। अगर अगर दो के बाद एक पल और मिल गया तो मैं क्यों मरूंगा। मौत की उम्र क्या तीन दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा,
मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए, आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहां खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर, फर्क इससे पड़ता है कि जहां खड़ा है या जहां उसे खड़ा होना पड़ा है वहां उसका धरातल क्या है, वहां उसका धरातल क्या है, जहां खड़ा होना पड़ा है। हिमालय की चोटी पर पहुंच, एवरेस्ट विजय की पताका फहरा, कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दग्ध अपने साथी से विश्वास करे, विश्वासघात करे, कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दग्ध अपने साथी से विश्वासघात करे तो क्या उसका अपराध इसलिए क्षम्य हो जाएगा कि वह एवरेस्ट की ऊंचाई पर हुआ था? नहीं, अपराध अपराध ही रहेगा। हिमालय की सारी धवलता उस कालिमा को नहीं ढक सकेगी, कपड़ों की दूधिया सफेदी जैसे मन की मलिनता को नहीं छिपा सकती। किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता, मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। इसीलिए तो भगवान कृष्ण को शस्त्रों से सज्ज रथ पर चढ़े, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसीलिए तो भगवान कृष्ण को शस्त्रों से सज्ज रथ पर चढ़े, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है, अस्थि टूट जाती पीड़ा मन में, अस्थि जुड़ जाती पीड़ा मन में सुलगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती ही न माने, इसका अर्थ ये भी नहीं कि परिस्थिति पर विजय पाने की न ठाने। आदमी जहां है वहीं खड़ा रहे, दूसरों की दया के भरोसे पड़ा रहे। जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगमन नहीं है। आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े, किंतु कितना भी ऊंचा उठे मनुष्यता के स्तर से न गिरे, अपने धरातल को न छोड़े, अंतर्यामी से मुंह न मोड़े। एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था, धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्याभिमान से न तने। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधा है आती है आए, घृण प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृण प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। हास्य रुदन में तूफानों में
ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियत, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अनुशासन का पर्व है बाबा का उपदेश, हवानाथ की हवा भी देती है संदेश, देती है संदेश, राजदंडे से चलता, जज हज करने जाए रोज कानून बदलता, कह कैदी कविराय शोर है अनुशासन का, लेकिन जोर दिखाई देता दुशासन का। ऊंचा श्री चव्हाण से नंबर दो है कौन, इंदिरा जी नंबर एक थी, नंबर दो कौन था पता नहीं, आज भी पता नहीं है। पूछा श्री चव्हाण से नंबर दो है कौन, औचक भौचक से रहे पल भर साधा मौन, पल भर साधा मौन, न कोई नंबर दो है केवल नंबर एक, शेष सब जो है सो है। कह कह दी कविराय नई गणना गुणाक्षरी, नारी नंबर एक पुरुष अब दस नंबरी। दिल्ली के दरबार में कौरव का है जोर, लोकतंत्र की द्रौपदी रोती नयन निचोर, रोती नयन निचोर, नहीं कोई रखवाला, नए भीष्म द्रोणों ने मुख पर ताला डाला, कह कहगी कविराय बजेगी रण की भेरी, सात कोट जनता न रहेगी बनकर चेरी।